आदित्य नारायण अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 1 दिसंबर को आदित्य की एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल संग शादी होने वाली है। इससे पहले भी आदित्य नेहा कक्कड़ संग अपनी फेक वेडिंग को लेकर खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन शादी की खबरों के अलावा आदित्य लड़की से थप्पड़ खाने और एयरपोर्ट स्टाफ से बदतमीजी करने को लेकर भी विवादों में रह चुके हैं। आइए जाने उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। 2018 में आदित्य नारायण को रैश ड्राइविंग के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आदित्य पर आरोप था कि रैश ड्राइविंग करते हुए आदित्य ने ऑटो रिक्शा से अपनी कार भिड़ा दी थी। हादसे में ऑटो चालक और पैसेंजर्स बुरी तरह से घायल हो गए थे। खबर ये भी थी कि घटना के बाद आदित्य भागे नहीं, बल्कि वो खुद ही घायलों को अस्पताल ले गए थे। बाद में 10,000 रुपए जुर्माना भरने के बाद आदित्य को बेल मिली थी। दूसरा विवाद एयरपोर्ट पर स्टाफ के साथ बदतमीजी को लेकर हुआ था। ये घटना 2017 की है। 40 किलो का एक्सेस बैगेज होने के कारण एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें 13,000 रुपए चार्ज की बात कही थी और आदित्य 10,000 रुपए पर अड़े रहे। उनके बीच बात काफी बढ़ गई और आदित्य ने गुस्से में गलत बातें कह दी। हम आपको बता दें, इसी मामले के दौरान आदित्य ने गुस्से में आकर कहा था, मुंबई पहुंचने दे, तेरी चड्डी नहीं उतारी तो मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं। आदित्य ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे परिवार को बहस के बीच में लाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए मैंने गुस्से में आपा खो दिया था। अब आते हैं आदित्य के तीसरे मशहूर विवाद पर। ये घटना आज से 9 साल पहले 2011 की है। चर्चा थी कि आदित्य ने एक लड़की पर कमेंट पास किया था, जिसके बाद लड़की ने आदित्य को थप्पड़ मार दिया था। इस पर खूब बवाल हुआ था। वहीं आदित्य ने घटना को नकारते हुए कहा था कि जो भी लड़की उन पर ऐसे आरोप लगा रही है, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही है। आदित्य ने अपने ऊपर लगे इस इल्जाम से साफ इनकार कर दिया था। बता दे, आदित्य बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल के साथ 7 फेरे लेने वाले हैं। उन्होंने फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी थी। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। आदित्य और श्वेता के रोका सेरेमनी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। तो व्यूवर्स, क्या कहना है आपका इस न्यूज़ पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। तब तक देखते रहिए टेली मसाला।